अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविचेस। इसके लिए हमने लिए हैं 1 किलो आलू, 2 बड़े प्याज, 2 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, 1 ब्रेड और ये चिकन मेरे पास उबलने के लिए रखा है मैंने। सिर्फ नमक, काली मिर्च और अदरक लहसुन डालकर इसका मैं श्रेड चिकन ले लूँगी। और मेरे पास टेस्ट के लिए है, अलग अलग लोगों को अलग अलग फ्लेवर चाहिए घर में, तो सबके लिए अलग अलग है। टोमेटो केचप है, मायोनीज है और ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड सॉस, ये चिली सॉस है, रेड चिली सॉस, ये थोड़ा तीखा होता है। ये विवा का पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है और ये शेजवान चटनी है। जिसको जो जो चाहिए वो लगाकर हम सैंडविच बनाएंगे और आपको हमारे नए ओन पर सैंडविच बेक करके दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आलू छील कर उसके टुकड़े कट कर लेते हैं, प्याज को काट लेते हैं, टमाटर, शिमला मिर्च और चिकन को श्रेड कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए हमारा सब सामान रेडी हो गया है। ये हमारे ब्रेड है, हमने थोड़ा सा डालडा लिया है, आप मक्खन, बटर या घी कुछ भी ले सकते हैं। हमने इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है, इसलिए अब हम ब्रेड को आउटसाइड से थोड़ा सा डालडा लगाएंगे। और ये देखिए टमाटर कट चुके हैं, शिमला मिर्च कट चुकी है, प्याज रिंग्स में हमने काट लिए हैं, आलू हमने टुकड़े कर लिए हैं बॉईल करके और चिकन का जो पीसेस थे उसकी भी हमने श्रेडिंग कर ली है। अब हम जिसको जिसको जो टेस्ट अच्छा लगता है उस हिसाब से सैंडविच बनाएंगे और सर्व करेंगे। तो पहला सैंडविच किसके लिए बन रहा है? अच्छा, पहला सैंडविच तला के लिए बन रहा है और तला को डालडा पसंद है इसलिए वो डालडा लेगा। जिसको घी चाहिए उसको हम घी लेंगे, जिसको कुछ नहीं चाहिए उनको हम नो ऑयल वाला बनाएंगे। अच्छा, तुम अपने इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं इसमें से वो बता दो। मायोनीज और पिज्ज़ा पास्ता। हाँ, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस एंड मायोनीज, तला यूज़ करने वाला है मायोनीज। ओके, पहले थोड़ा सा डालडा भी लगा लो, उसके बाद फिर वो लगाना मायोनीज। दोनों पे थोड़ा थोड़ा लेके फिर स्प्रेड करो। गुड, स्प्रेड करके उसको पलट दो, फिर सेकंड साइड पे लगाना मायोनीज वगैरह। गुड, अब इसको पलट दो, सेकंड साइड पे भी लगाना तो अच्छे से क्रिस्पी होंगे। बटर भी ले सकते हैं आप, घी भी ले सकते हैं, मैं मेरे सैंडविच में घी लगाऊंगी। ओके, मायोनीज ले लो। मायोनीज को स्प्रेड कर ले रहा है तला। तला के हाथ से खाएंगे हम सैंडविचेस। इसमें ये विवा के जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है ये बहुत ही टेस्टी होती है, ये डालेंगे तला। ओनियन रिंग्स, 2 टमाटर। ओके, आलू, और चिकन चाहिए ना तुमको थोड़ा सा? सॉस डाल दो, फिर ये करो, सॉस डालकर फिर बंद करो। हाँ, विवा का सॉस डालेंगे। अच्छे से, गुड।
ट्रे निकाल बाहर। गुड, ट्रे इधर लाओ। बीच में रखो। अभी हम उनको ऑन करते हैं। ये देखिए इसके फंक्शंस, इसको हमने हाँ अपर एंड हायर दोनों मोड पे लगा दिया है, और इसको हमने हीटिंग 120 रखी है क्योंकि हमारे ब्रेड है, ब्रेड पहले से ही पके हुए होते हैं, और टाइमर हम लगा देंगे 10 मिनट का, और ये हमारा सैंडविच बन रहा है। चलिए नेक्स्ट सैंडविच बनाते हैं। मेरे लिए घी लेना, घी। सेकंड सैंडविच मेरा बन रहा है घी वाला। तला मुझे थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस चाहिए, थोड़ा सा चिली सॉस चाहिए, और थोड़ा सा पिज्जा पास्ता सॉस चाहिए, और मायोनीज भी थोड़ा सा मुझे चाहिए। देखिए घी पिघला हुआ है, बारिश का मौसम है लेकिन यहाँ पर घी पिघला हुआ है, पता नहीं क्यों। अच्छे से स्प्रेड करके इसको पलटना, नहीं तो बह जाएगा। इसको भी पलट दें। ग्रीन चटनी भी है पुदीने की मेरे पास, अगर कोई बोलेगा कि ग्रीन चटनी डालो तो उसको हम ग्रीन चटनी डाल कर बनाएंगे। और इमली की चटनी है मेरे पास घर की बनी हुई, जिसको जैसे चाहे वैसे बनाएंगे। आपको मैं दो बताऊंगी, एक मेरा घी का और एक तला का डालने का। मुझे एक रिंग प्यास की, ये हाफ वाली, हाँ बस है उतनी। ओके, टमाटो, एक ही लेना। आलू, चिकन लेना। इस पर मायोनीज डाल दो। चिकन चिली सॉस इस पर डालो। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा तीखा होता है। एक जगह भी डालेंगे तो चलेगा, जब वो फ्लेवर आता है ना मुंह में तो बहुत अच्छा लगता है। पुदीने की चटनी का भी वैसे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मुंह में। पिज्जा पास्ता सॉस थोड़ा सा उस पर डाल दो, बस। और मस्टर्ड सॉस इस पर डालो, मेयोनीज के साथ उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। ये लीजिए, अभी मेरा भी तैयार हो गया है। हम उसको खोलकर उसके बाजू में ही इसको रख देंगे, और फिर टाइम काउंट करेंगे क्योंकि शायद 5 मिनट होने आए हैं उसके, 5 मिनट हो गए हैं। रखो, अब हम 2 मिनट के लिए ओवन खोलते हैं और इसको दूसरे वाले को भी रख देते हैं। गर्म है तला।
दो मिनट से हम टाइम सेट करते हैं ऑन करो। बूथ साइड पे कर दिया ओके। और टाइम देखिए अभी 5 मिनट होने वाले थे इसलिए हम इसको दोबारा से 10 मिनट्स पर सेट कर देते हैं। चूंकि ओवन प्री हीट नहीं था तो अभी तक कुछ गर्म नहीं हुआ था अपना सैंडविच जो हमने पहले देखे थे। ये देखिए दो सैंडविचेस बन रहे हैं, एक मेरा एक तला का। ऐसे ही तैयार होता है तो आपके साथ शेयर कर दूँ। बोल सैंडविच चूंकि गर्म नहीं हुआ था बिल्कुल भी इसलिए हम थोड़ी सी हीट बढ़ा रहे हैं। आप 180 पर कीजिए, मेरे इसमें ऑप्शन 170 का है इसलिए मैं 170 पर कर रही हूँ। ओके 10 मिनट देखते हैं हमारे सैंडविच कैसे बनते हैं, अगर ज़्यादा कुरकुरे नहीं हुए तो हम दोबारा भी लगाएंगे। सो वेट एंड वॉच। हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सो वेट कर रहे हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हमारे सैंडविच किस तरह के बने हैं। देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी बनाइए इसी तरह से और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।